आज पठानकोट डिपो में जाकर सरकार के प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी व धरना प्रदर्शन किया। पीस मील वर्करों ने आठवें दिन नूरपुर एचआरटीसी के पठानकोट डिपो में कार्यरत पीस मील कर्मचारियों ने आज एचआरटीसी पठानकोट के डिपो पठानकोट में अपनी मांगों को लेकर मंगलवार आठवें दिन भी टूल डाउन हड़ताल जारी रखकर सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रोष व्यक्त किया। एचआरटीसी के पठानकोट डिपो के पीस मील कर्मचारी अध्यक्ष सौरभ खन्ना, रामगढ़िया सुनील, राजेंद्र विवेक शर्मा, कमल सिंह, राजेंद्र पठानिया, परमजीत गौरव सिंह, मनोज रवि, रजत पकजादी ने बताया कि वो कई वर्षों से निगम में अपनी सेवाएं बतौर पीस मील वकर के रूप में दे रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले इस पॉलिसी के अधीन लगभग 417 कर्मचारी कांग्रेस सरकार में अनुबंध में आए और 2020 वर्ष में भाजपा शासन में नियमित हुए। उन्होंने कहा कि अभी तक 930 मुलाजिमों को अनुबंध पर नहीं लिया गया है भाजपा की सरकार में, जबकि कांग्रेस शासन में पीस मील वर्करों को पक्का करने हेतु अनुबंध की नीति बनाई गई थी, जबकि भाजपा की सरकार की पॉलिसी के अनुसार इन वर्करों को पक्का करने के लिए 5 साल ITI वालों को व 6 साल नॉन ITI वालों की नीति तैयार की गई थी, लेकिन टाल मटोल व लारे लिपापोती की राजनीति से आश्वासन अभी तक मिले सरकार से, जबकि हम लोगों को जो वेतन मिलता है काफी कम है आज के दौर में और ड्यूटी पूरी ली जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों है। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में निगम की बसों का सारा कार्य हमारे हवाले होता है और हम निष्ठा से कार्य करते हैं और निगम के आलाधिकारी भी मानते हैं कि हम निगम की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अनुबंध पर लेने व नियमित करने बारे सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिस कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करे, अन्यथा उनका आंदोलन और तेज होगा, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन व सरकार की होगी। अगर आपकी कितने से कितनी तरह से हड़ताल चलेगी आपकी आगे, जो हमारे शिमला में बैठे हैं कोर कमेटी जो बैठी है, जो भी निर्णय लेगी उसके लिए हम तैयार रहेंगे। नहीं, कितने दिन तक हड़ताल जारी रहेगी आपकी? ये तो हमारी 17 से लेकर 26 तक है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आपका मतलब आगे का क्या निर्णय रहेगा आप लोगों का? ये जो निर्णय होगा, जो भी हमारे 5 डिपो के TCL कर्मचारी हैं सभी का निर्णय, और जो हमारी शिमरे बैठी कोई डिपो कमेटी है, जो भी निर्णय होगा उसके लिए हम 5 डिपो तैयार हैं। नूरपुर से आपका फैसला TV के लिए संवाददाता विनय महाजन की रिपोर्ट।